नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भागलपुर पीरपैंती में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के प्रयास किए शुरू। पीरपैंती के प्रिय दर्शनी विवाह भवन में राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह के अध्यक्षता में नवनियुक्त बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु का हुआ स्वागत। स्वागत समारोह किया गया। अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे दुकान, ईंट भट्टा, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता एवं बड़े बड़े लोगों के घरों में कार्य कर रहे हैं, उनको लोग मुक्त कर दें। जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए जो भी सुविधा होगी किया जाएगा। अगर कहीं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो आर्थिक दंड लगा कर या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा दायित्व दिया है, इनके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर पूर्व विधायक रामविलास पासवान, राजद प्रखंड अध्यक्ष उत्तरी मुरली यादव, जिला परिषद सदस्य जनार्दन आजाद, जिला उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद, रमन मुखिया, दीपक सिंह मुखिया, लाल मुनि शाह सहित राजद नेता व राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। भागलपुर संवाददाता सौरभ कुमार दुबे की रिपोर्ट। आपको स्टेशन में मिलेगा कभी बेचते, स्टेशन पर आपको कौन ही बेचते में मिलेगा। आप फिर जाइएगा पूरा के पास तो वहाँ भी बच्चे, दिनहीन बच्चे, उसके माँ और पिताजी भी मिल करके गेहूँ खाते हैं। तो दलित और महादलित के लिए सरकार, हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार ने व्यवस्था किया क्या, उसको मुफ्त रहने और खाने और पीने की व्यवस्था। अगर उसकी माँ गरीब है तो उसको इंदिरा आवास भी दिलाने का काम इस आयोग का काम है। उसको राशन कार्ड कैसे मिले उसको दिखाना, उसके बच्चे कैसे पढ़े लिखे ये भी दायित्व तो बनता है। आखिर वो बच्चे काम करते हैं, मान ली कोई विधवा है, विधवा उसको काम करने वाला कोई है ही नहीं, सहयोग उसके पास बच्चे, इसलिए उस बच्चे के लिए और उसके माँ के लिए हम लोग समुचित व्यवस्था, ये आयोग का कदम होता है। और प्रत्येक साल 1,000 रुपये अभी पूरे देश में बाल श्रम पर बिहार ने अच्छा काम किया, जिसके कारण जो आयोग अभी 6 साल से बंद था उसके द्वारा पुनः भी चालू किया गया। पुनः हमारे नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के दिशा निर्देश पर हम लोग आयोग का पूरा, हमारे आयोग के सदस्य 5 माननीय हैं, 3 विधान सभा के अध्यक्ष हैं, 3 विधान परिषद के सदस्य हैं और एक एक आदमी, सब लोग अच्छे हैं। हम लोग पूरा प्रणाम कर रहे हैं, घूमना शुरू कर दिया है उस पर कैसे कैसा कैसे कैसे किस तरह से पूरी किया जाता है, आप देखिएगा तो बहुत भट्ठा में अगर हम लोग कोई वीडियो आप लोग देख लीजिए। लालू जी बुला करके विधान परिषद में पत्थर तोड़ने वाली एक भगवतिया देवी सांसद बना करके जो है भेजने का काम किया। इसलिए जो है हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल में इस तरह का है कार्यकर्ता सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय तेजस्वी जी द्वारा हम लोगों को दिया जाता है, और इसीलिए कहा गया है कि ये जो ट्रेड का पार्टी है हम लोग।